क्या है कि फाउंडेशन का आपका काफी नाता पुराना है, क्या है आज कुछ बताना चाहिए? नाता तो नया है और जल्द ही बहुत पुराना भी हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत काम करना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और जैसे मैंने जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब कहा था कि मैं अब सबको जानना चाहती हूँ, और प्राइड मंथ में सब बातें बहुत करते हैं लेकिन मुझे इन सब के साथ टाइम स्पेंड करना था। और मेरे फैंस ये चाहते थे कि मैं एक दिन नवारी साड़ी पहनूँ, नथ पहनूँ, तो मैंने सोचा इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता है। तो इसलिए डिसाइड किया कि सिर्फ मैं ही क्यों महाराष्ट्रन साड़ी पहनूं, मैं सबको पहनाऊंगी। तो सबके लिए हमने साड़ियां भेजी, लड़कों के लिए कुर्ते भेजे, साफा भेजा, और आज हम मज़े करने वाले हैं। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, बहुत काम करना है। क्या क्या होने वाला है, डांस होने वाला है? अब मुझे भी नहीं पता, कुछ सरप्राइज है ऐसे मुझे बताया गया, पर मुझे भी आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। पर डांस तो होगा, मैं तो पक्का करूँगी, चिराग भी पक्का करेगा। और खाना है, इनके हाथ का खाना मैंने लास्ट टाइम खाया था जो मुझे बहुत पसंद था, तो वो खाना भी खाना है। ये जो आपने लॉकअप में कहा था कि आप इस तरह का काम करने वाले हैं, तो क्या क्या आपकी क्या है गोल्स, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे, क्या क्या गोल्स है, क्या क्या करने वाली आप, कुछ अगर आप बता। सबसे पहले तो जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक लॉज है, उनको मुझे चेंज करना है, उनमें चेंज लाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, भी रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक्चुअली मैं ब्लड डोनेट करने जा रही थी और मैं पहले भी करती थी ऐसा वक्त, लेकिन मुझे कॉल आया कि मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर औरत हूँ। और मुझे काफ़ी शॉक लगा ये बात जानकर, और मैं ओ नेगेटिव ब्लड टाइप हूँ, तो मेरा ब्लड वैसे ही तो प्रेशियस है बोल सकते हो, आई एम अ यूनिवर्सल डोनर। लेकिन 2017 में ब्लड डोनेशन रूल जो बनाया था, जो रेफरल बनाया था, उसमें ये लिखा गया है कि ट्रांसजेंडर मेन एंड वीमेन, एनीवन बेसिकली फ्रॉम द LGBTQI कम्युनिटी, हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और उसका रीज़न ये है कि वी फॉल इन द हाई रिस्क कैटेगरी टू ट्रांसमिट डिजीजेस, विच आई थिंक इज़ अ जोक, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मैं सुबह शाम बस अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही करती हूँ, मतलब हम पे वो एक डिस्क्रिमिनेटरी धब्बा लग गया, एक स्टैम्प है। सो थिंग्स लाइक दीज आई वॉन्ट टू चेंज, एंड इफ आई हैव अ वॉइस आई विल टॉक अबाउट इट एंड आई विल स्क्रीम अबाउट इट एज़ वेल। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कुछ ऐसे काम करने हैं जिनमें चेंजेस आए। आपको लगता है मैम कि आज भी ये मोशन है कि मतलब कि आज भी कई सारी चीज़ों में मतलब आप लोगों को इतना जो हक देना चाहिए वो हक मिलता नहीं है? 100% अभी, क्योंकि मैं 17 साल से एक डिज़ाइनर रही हूँ, मेरा वो प्रिविलेज है, मेरी वो रिस्पेक्ट है, मेरी वो पहचान है, इसलिए मुझे आसान रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एक की स्टोरीज अगर सुनेंगे, उनके जो बैटल्स है, अगर उनको जॉब चाहिए तो भी इतने, मतलब इट्स यू कांट इवन स्टार्ट के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। अब क्योंकि मैं प्रिविलेज से हूँ, तो मेरी मदद से अगर इनकी लाइफ इजी हो, अगर हमारी लाइफ इजी हो, हमारे लॉज इजी हो, हमारी प्रोटेक्शन इजी हो, तो दैट इज़ माय गोल इवेंचुअली। फ़िलहाल तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, प्राइड मंथ में सब जाग जाते हैं, प्राइड मंथ ख़त्म होता है सब सो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो मैंने प्राइड मंथ के बारे में भी इनको ये लास्ट टाइम बताया था कि प्राइड मंथ में अगर आपको कैपिटलाइज करने मिल रहा है तो करो, बिकॉज ये महीने में जितना पैसा कमा सकते हो, इधर इंटरव्यू उधर सब जगह दे के जितना कमा सकते हो कमाओ, कैपिटलाइज ऑन द प्राइड मंथ, बिकॉज एटलीस्ट ये एक महीने में लोग हमारी स्टोरी सुनना चाहते हैं। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर ये फंक्शन में आए हैं, प्रोग्राम में आए हैं, आपको कितनी उत्सुकता है और आप क्या कहना चाहेंगे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुझे ये मालूम पड़ा था शी हैज एक्चुअली गॉन टू दिस NGO एंड शी हैज स्टार्टेड हर वर्क, आई वाज वेरी हैप्पी पहली बार देख करके, एंड सेकेंड टाइम व्हेन शी इज़ कमिंग ओवर हियर अगेन एंड डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज। लॉकअप में लोगों के लिए, जैसे लॉकअप में इन्होंने एक चीज़ कह दी थी, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बोलना आसान होता है कि यार हम हमारी यू नो इतनी अर्निंग्स इसमें देंगे, इतना सब कुछ एक अच्छे कॉज के लिए देंगे, बोलना आसान होता है।
But then there are people like her who are actually going all out and doing that thing. And honestly and religiously, she is doing it. Coming to the place again and getting to know all of their stories that she has told me before as well, I think that's a big hats off to her that she is bringing a change in the society. So mere liye, I think I'm really curious to know ki abhi kya activities hone wali hain. Because Naman ne bhi aane se pehle keh diya tha ki kuch to surprise hai. Abhi pata nahi kya surprise hai, but I'm curious. So I'm really happy and curious ki kya hone wala hai. Shasha, my question to you is like, aapne apna ek college struggle aapka bhi raha hai, bhale aap ek jo aapne kaam ki achhi tarah se baat karti, but struggle to raha hai. Aap fashion designer bhi hai, aapne struggle bhi kiya hai, kis tarah se aap khud motivate karti hai, hai na? खुद को कि कम्युनिटी को इन खुद को भी कभी कभी मोटिवेट करना पड़ता है. आई थिंक मेरे लिए ये बहुत सिंपल बात है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. क्योंकि अगर मुझे कम्युनिटी को इंस्पायर करना है तो मुझे उनके लिए काम करना ज़रूरी है, उनके साथ काम करना ज़रूरी है. क्योंकि जितना मैं इनके साथ काम करते हुए दिखूँगी उतना और लोग आगे बढ़कर भी काम करेंगे. बिकॉज बोलने वाले बहुत सारे करने वाले कितने हैं, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है. और क्या इमोशंस लोगों का चेंज हुआ है कुछ सालों में सोशल मीडिया बहुत सही चीज़ों से लॉज आने से? क्या लगता है लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए? आई थिंक सोशल मीडिया के वजह से एक अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अब जानकारी मिल रही है. लेकिन क्या बुलिंग ख़त्म हो गई है? नहीं. क्या स्टिग्मा ख़त्म हुआ है? नहीं. वो मैं मेरी फैंसी गाड़ी में आती हूँ, गाड़ी में बैठ के चली जाती हूँ, तो मुझे तो ये सब कुछ फेस करने नहीं पड़ता. लेकिन जब ये यहाँ की जो लड़के लड़कियाँ हैं, वो जो बाहर जाते हैं, उन्हें तो ये एवरी सेकेंड झेलना ही पड़ता है. और ये कब रुकेगा? जब इनको रिस्पेक्ट मिले. उनको रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जब इनकी एक लाइफ हो. तो सोसाइटी में अगर उनकी एक पोजिशनिंग हो, रिस्पेक्टफुल पोजिशनिंग हो, only then this stigma will stop. Anything that you see, आपने खुद एक example लिया था वो डेड वाला. ऐसी चीज़ें जो आप चाहती कि जल्द से जल्द होनी ही चाहिए community के लिए, जो सबसे main problem है. I think सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल protection rights होने चाहिए. Because a lot of these kids are either thrown away from their houses or they've run away from their houses. तो उनको protection देने के लिए कुछ laws होने चाहिए. Because protection भी नहीं होती, a lot of them also commit suicide. तो I feel first and foremost protection laws. Secondly, legal documents. Finally, I feel quota होना चाहिए. एक they all should have a quota. अच्छा, आपसे जानना चाहिए, आपने सबकी स्टोरी सुनी है, किसी का स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको अभी मैं बताऊं आपको, यहाँ आने से पहले मुझे ट्रांस वीमेन की स्टोरीज़ पता थी. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ट्रांस मैन की स्टोरीज़ कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है. और एक 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 स्टोरी ऐसी है जो एक्चुअली बहुत कॉमन है सब में, कि उनके जो भी मैं अभी ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती, जो भी ट्रांस मैन आए हो, जो भी मैन आए हो, वो एक्चुअली में लड़कियाँ थी, राइट? और उनके पेरेंट्स यहाँ तक पहुँच गए थे, धमकियाँ तक हुई थी, पुलिस स्टेशन में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जबकि वो 18 इयर्स अप भी है. तो आई रियलाइज दैट ट्रांस मैन की जो बैटल है वो भी बहुत इंटेंस है. और ट्रांस वीमेन दिखने में आती है इसलिए उनकी स्टोरीज आप जान पाते हो, लेकिन ट्रांस वीमेन दिखने में आती है इसलिए आप यू नो देयर स्टोरीज, बट ट्रांस मैन आर नॉट विजिबल दैट मच. उनकी स्टोरीज पता नहीं चलती, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है वो मुझे यहाँ आकर पता चला है. अच्छा, इसके अलावा आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हैं, आज आपने क्या वेयर किया है बताना चाहेंगे? आपने गुलाब लगाया है, साड़ी पहनी है, क्या बताना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने नवारी साड़ी पहनी है, और ब्लू मेरा सेकंड फेवरेट कलर है. लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरे फैंस बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कि आप एक नवारी साड़ी पहनो. तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. पर मैंने खुद से ड्रेप नहीं किया है, मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ, पर इतनी भी ये नहीं कि मुझसे खुद से ड्रेपिंग हो. और मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला था, जाओ कोई अच्छी सी साड़ी लेके आओ, तो ये मेरे असिस्टेंट भी ला के दिए.
अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे माहौल एकदम फुल सस्पेंस जैसा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लॉकअप का कोई नया टास्क आएगा, तो खैर क्या क्या यहाँ पे होगा और क्या साइसा के लिए स्पेशल इंतजाम है आप बताएं? ओके, सो जैसे साइसा जी ने बोला कि वो लास्ट टाइम भी आकर गई थी और यहाँ पर इस बार आएंगी तो कुछ स्पेशल करेंगे हम, सो ऐसे ही प्रॉमिस उन्होंने हमारे लिए इतनी ब्यूटीफुल साड़ियाँ भेजी एंड ट्रस्ट मी एवरीबडी लव्ड इट। वो सोच के हमने अभी ये सोचा है कि हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं अलग अलग टाइप के, जैसे डांसर्स है, सिंगर्स है, कोई कॉमेडी करता है, तो हमने एक महाराष्ट्रन फीलिंग को टच करके हम लोग ने वो चीज़ें सेट की है जो कि एक सरप्राइज़ के रूप में हम साई साजी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें होंगी और स्पेशली हमने महाराष्ट्र की, हमारे पास बोलते हैं कुछ अगर स्पेशल ओकेजन होगा तो महाराष्ट्र की खीर बनती है, तो हमने खीर बना के मैं बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। और जैसे आपको पता होगा लॉकअप में मैं एक चीज़ की दीवानी हो गई थी, वो थी चाय, तो मुझे ऑफकोर्स यहाँ की चाय भी फिर से पीनी है। आई थिंक मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप हमारी कम्युनिटी को पहले तो रिस्पेक्ट दें, दूसरा सिर्फ प्राइड मंथ में हमें याद ना करें, साल भर याद करें। वी ऑल जस्ट नीड लव एंड एक्सेप्टेंस, वी ऑल जस्ट नीड रिस्पेक्ट एंड नथिंग एल्स, एंड आई प्लान टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर माई कम्युनिटी। तो बस सपोर्ट करते रहिए मेरे फैंस, प्यार देते रहिए, ताकि मैं ऐसे सिचुएशंस में आके मेरे दोस्तों की हेल्प कर सकूँ और उनकी लाइफ इम्प्रूव कर सकूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ओके, सो मैं थोड़ा सा ट्वीट फाउंडेशन के बारे में आप सबको बता देती हूँ। ट्वीट फाउंडेशन एक ट्रांसजेंडर्स को अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट करने के लिए एक छोटा सा सब ग्रुप था जो 5 या 6 जन का था। आज वो बहुत बड़े रजिस्टर्ड हो चुका है, आज वो बड़ा एक एनजीओ है, रजिस्ट्रेशन के साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ हमारा एनजीओ है, जहाँ पर हम सारे ट्रांसजेंडर्स का एम्पावरमेंट देते हैं, जैसे कि एक डिग्निटी वाली लाइफ देते हैं। जितने भी ट्रांस वूमेंस हैं उनको हमें कहीं ट्रेन में या फिर सिग्नल्स पे हमें भीख मांगते हुए नहीं देखना है, उनको एक स्टडी देकर उनको एक डिग्निटी वाली लाइफ देनी है। तो यहाँ से हम स्टडीज़ के बारे में उनको बताते हैं, हम उनको स्टडीज़ करवाते हैं और उसके बाद हम जॉब प्लेसमेंट्स भी देते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो एक इंटरव्यू के बाद लग ही जाता है, नहीं, हमें ऐसे क्रैक करने पड़ते हैं 2-4 इंटरव्यूज़, बट देन वी डू दैट ऑल्सो फॉर ट्रांसमैन। ट्रांसमैन की सिचुएशंस बहुत ख़राब होती है बिकॉज वो जन्म लेते हैं एक स्त्री के बॉडी में, तो वो एक कम आउट करके अपने स्टेप बाहर आते हैं, तो उनको हमें ना सारा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, जैसे कि हम पुलिस की मदद लेके हम उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे सीन्स है, तो समटाइम पुलिस हेल्पफुल होती है, बट वेन इट कम्स टू फैमिली तो पुलिस का एक ही स्टेटमेंट होता है कि वो उनकी लड़की है तो उनको पहले डिसीजन लेने दो। सेकेंड स्टेटमेंट, अगर ये चाहता है कि ये हमारे पास रहेगा, आपके एनजीओ के पास रहना चाहता है, तब हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास स्टेटमेंट लेटर होगा। सो ये सारी चीज़ें हम ट्वीट फाउंडेशन से करते हैं, और बस छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम ट्रांसजेंडर्स को एक डिग्निटी वाली लाइफ देना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, NISD के साथ मिलके हम ट्वीट फाउंडेशन वाले चला रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट का नाम है गरिमा ग्रह। गरिमा इटसेल्फ इज अ डिग्निटी, तो ये डिग्निटी वाला घर है हमारा, छोटा सा। एंड पीपल लाइक साईशा सिंधे आर वेरी मच हेल्पफुल टू अस। Thank you.